من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتاب من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إن तकरीबन दो महीने के बाद मेरा पेपर आया, फिर जनवरी में मैंने 27 जनवरी को ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया लिखने का। तकरीबन 3 महीने मुझे लगे इस प्रोजेक्ट को लिखाई ख़त्म करने में, क्योंकि मैं 18 घंटे के हिसाब से रोज़ाना काम करता था। तो उसके बाद 1 महीना मुझे लगा इसकी बॉर्डर डिज़ाइनिंग करने के लिए, जिसमें तकरीबन 13 लाख नुक्कात लगा कर मैंने बॉर्डर की डिज़ाइनिंग किए। तो उसके बाद आखिर में 1 महीना मुझे इसकी लेमिनेशन जो है वो अरेंज करने में लगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 माह के अंदर मैंने को इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया। कुछ दिन कबल आपने खबरों के ज़रिए से ये बात ज़रूर सुनी होगी, ये खबर ज़रूर सुनी होगी कि बांडीपोरा गुरेज़ का रहने वाला एक नौजवान जिनका नाम मुस्तफ़ा इब्न जमील है, जिनकी उम्र 27 साल है, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो शायद कोई और नहीं कर सकता। गैर मामूली काम उन्होंने मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान पाक की जो खताती की है वो स्क्रॉल पेपर्स पे मुकम्मल की है, जिसकी चौड़ाई 14.5 इंच है और लेंथ 500 मीटर्स। उन्होंने ये खुशनवीसी का काम 7 माह में मुकम्मल किया। जो ही उन्होंने ये काम मुकम्मल किया तो ही उन्हें हर तरफ से सराहना मिली, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनकी इस अचीवमेंट को लिंकन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया। आज वो इस मैन्युस्क्रिप्ट को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ कमरवारी के मस्जिद अंजुम के सहन में आए, और यहाँ पर कई सारे लोग इसे देखने के लिए आए। दरअसल पहले मेरी जो हैंड राइटिंग थी वो सही नहीं थी, तकरीबन 2016 की बात है। मैंने जो खताती है ये अपनी हैंड राइटिंग जो है वो सुधारने के लिए मैंने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन तब मुझे पता भी नहीं था कि खताती भी कोई चीज़ होती है। लेकिन जब कुछ अरसा मैंने अपनी दस्त का सुधारने के लिए कोशिश की थी, जब कुछ अरसा मैंने उस पर प्रैक्टिस की, तो उसके बाद मुझे महसूस होने लगा कि जो मेरी हैंड राइटिंग है वो सुधरती जा रही है। तो उसके बाद क्योंकि आस पास का जो मेरा माहौल था वो कुरान का ही था, तो इसलिए मैंने चूज़ किया कि मुझे कुरान पाक का कुछ हिस्सा लिखना चाहिए, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था मैं पूरा कुरान पाक भी लिख पाऊँगा। लेकिन अल्लाह के फजल से तकरीबन 11 माह के अंदर जो मैंने पहला कुरान पाक लिखा था 2017 और 2018 के दरमियान, 11 माह के अंदर मैंने जिसका वज़न 21 किलो था। इससे पहले आपने एक कुरान शरीफ मुकम्मल किया है 11 माह में? 3 मुकम्मल किए, लेकिन एक ही मंजर आम पर आया। 3 मुकम्मल जी, लेकिन वो आपने स्क्रॉल पेपर्स पे नहीं होगा, वो अलग अलग पेपर पे मैंने किए। लेकिन तकरीबन 6 साल प्रैक्टिस करने के बाद मुझे महसूस होने लगा कि मैं अब इस चीज़ के लिए जो है वो तैयार हो चुका हूँ, कि अब मैं इस पर बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो मैं शुरू कर सकता हूँ। तो 2021 के शुरुआत में मेरे जहन में ये ख्याल आया कि अब मुझे इसको मुख्तलिफ अंदाज में करना चाहिए। क्योंकि अब जब मैं 2016 से ये काम कर रहा हूँ, जब से मैं ये काम कर रहा हूँ तब से मैं तन्हाई रह रहा हूँ, मतलब अकेले रहना होता है क्योंकि लोग इतना ज़्यादा रहते नहीं साथ में। लेकिन जब इंसान तन्हाई में रहता है तो उसके दिमाग में आइडिया जन्म लेते रहते हैं। अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ, किसी भी लम्हे हो गया तो मैंने शुरू किया। अभी काम जितना बड़ा होता है उतनी उसमें मुश्किलें भी आती है। जब मैंने शुरुआत की थी, जब मेरे जहन में ये आइडिया आया था, तो उस वक्त मैंने जो इसके लिए पेपर मुझे चाहिए था वो रोल फार्म में चाहिए था, जो ओपन मार्केट में मिलना मुश्किल
मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने श्रीनगर में काफ़ी जगह पर रबता किया, लेकिन जो पेपर वगैरह भेजते हैं तो उन्होंने कहा कि हम अरेंज कर देंगे, लेकिन बाद में वो अरेंज नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि ये ओपन मार्केट से मिलना मुश्किल है। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो मुझे किसी भी हालत में करना था, तो उसके बाद मैं तकरीबन नवंबर के आखिर में 2021 मैं दिल्ली चला गया। वहाँ तकरीबन मुझे 2 महीने लगे इस नोयत का जो पेपर अरेंज करने में, तकरीबन 2 महीने लगे कि 135 GSM 8 पेपर जो है उसको मैंने अरेंज किया। सारे जो प्रोजेक्ट मेरा है मुकम्मल 500 मीटर का, उसमें पेपर से लेकर इंक वगैरह से लेकर लेमिनेशन करने तक तकरीबन 2.5 लाख का खर्चा इस प्रोजेक्ट में मुझे आया है। जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो इन चीज़ों का मुझे ख्याल नहीं होता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी भी जबकि सारी दुनिया इस काम को इतना शौक से देख रही है, तो मुझे तो आम दिन जैसा लग रहा है, क्योंकि मैं तन्हाई में 6-7 महीने किसी की शक्ल देखे बगैर भी काम करता रहता हूँ, मेरे लिए कोई खास। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, जो जो एक हम प्लानिंग करते हैं, लेकिन सबसे बेहतर प्लानिंग जो है वो अल्लाह ताला की करते हैं। 18 घंटे आप काम करते रहे, दिन में क्या स्केड्यूल रहता था, कब खाते थे, कब सोते थे? बस 5 से 10 मिनट जो है वो खाने पीने का टाइम रहता था, मुख्तसर वक्त में देता था खाने पीने को, और सुबह फजर के बाद में तकरीबन 5.5 घंटे में सोता था, बाकी जो भी वक्त बचता था वो मुकम्मल में इसी काम पर देता था। चोरी छुपे में प्रैक्टिस कर रहा था ताकि कोई देख न ले कि अभी भी इसकी हैंड राइटिंग जो है वो सही नहीं है। मास्क कैसा यूज़ करा है, बेसु कलम के नहीं, मैं नोटबुक पे मैं करता था, लेकिन कैलीग्राफी का पेन मेरे पास मौजूद था, मैं उससे प्रैक्टिस करता था। तकरीबन 1-2 हफ्ते में मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट जब महसूस होने लगी, फिर मैंने अपना मुकम्मल वक्त उसी पर। इसके लिए बेसिक तालीम को कहीं से हासिल करनी होती है ना, मतलब जिस तरह से कुछ ऐसे मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो ये कहते हैं कि हमने यूट्यूब वगैरह से सीखा। बिल्कुल, आपने खुद कहाँ से? शुरुआत में मैंने किसी चीज़ से नहीं सीखा, पहले मैं प्रैक्टिस कर रहा था। बाद में जब मैंने पहला नुस्खा जो है वो कुरान शरीफ से नकल करके जब मैंने लिखा, उसमें मेरी हैंड राइटिंग जो है वो सुधर गई। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 6 साल की इतनी प्रैक्टिस है कि मतलब कि मैं कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल रहेगा आपसे, मैट्रिकुलेशन के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी? मैट्रिकुलेशन में ही छोड़ दी। मैट्रिकुलेशन में मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था? नहीं, इंटरेस्ट था, लेकिन वो काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। इंशाल्लाह अभी मुझे काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स 3-4 जो है हाल ही में जो मुझे शुरू करने हैं, लेकिन मैं अभी उनका जिक्र नहीं कर सकता कि वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। जब मुकम्मल होंगे इंशाल्लाह तब मंजर आम पर आएगा, लेकिन काफ़ी प्रोजेक्ट्स अभी मुझे हैं जो मुझे शुरू कर।